देखो हम लोग का जहाज IC-814 1999 में हाईजेक हो गया था, काठमांडू से दिल्ली आ रहा था। काठमांडू से क्या हो गया, हाईजेक हो गया। उसमें किया क्या गया था, पाकिस्तान ने अपने जहाज में अपने एयरपोर्ट से कुछ आतंकवादियों को बम, हैंड ग्रेनेड और पिस्टल के साथ जहाज में बैठा दिया। अब हम ही लोग अगर किसी को बैठाना चाहे तो बैठा ही सकते हैं, हमारी सरकार अगर चाह दे तो पाकिस्तान सरकार ने बैठा दिया अपनी जहाज से, और वो जहाज लैंड की कहां पर, काठमांडू में। अमूमन ये होता है ना कि अगर आप एयरपोर्ट पर कहीं दूसरे जगह से आ रहे हैं ना, तो आपकी सिक्योरिटी नहीं जांच होती है। क्यों? क्योंकि आप जहां से आ रहे हैं वहां तो जांच हुआ ही होगा। तो पाकिस्तान से आई थी एयरपोर्ट, काठमांडू वाले ने जांच किया नहीं, तो ये उससे उतर के और फिर एयर इंडिया की जहाज में चढ़ गए सब। तो गलती काठमांडू की नहीं थी, गलती पाकिस्तान के, वहां से उसने दे के भेजा था। ये तो बस जगह चेंज किया था, वहां पे ले आके उड़ा दिया सब। यहाँ पे रिपन कत्याल की मृत्यु हुई थी, भारत से वहां बहुत बड़ी लापरवाही हुई थी। हमारे उसने हमारे पायलट ने ना उसको अमृतसर एयरपोर्ट पे उतार लिया था, तो यहां से भेजा जा रहा था, कमांडो भेजा जाएगा, कमांडो भेजा रहा, मार के टायर उड़ा दो, उड़ नहीं पाएगा सबसे पहले काम वहां पर, समझ आएगी नहीं आएगा। फिर उसको अमृतसर से उठा के लाहौर ले गया, तो पाकिस्तान ने कहा ना हम नहीं उतरने देंगे, क्योंकि उसको पता था कि लाहौर उतार देगा फंस जाएगा वो। तो पायलट कह रहा है हमारे पास फ्यूल तनिको नहीं है, क्योंकि दिल्ली जाने भर का फ्यूल भरा गया था, और लेके गया था ये अमृतसर, फिर कहाँ गया, लाहौर। वहां पे कहा नहीं फ्यूल है, तो उसने उतार दिया एयरपोर्ट पे, जबरदस्ती उतार दिया। बाद में पायलट को लगा कि एयरपोर्ट नहीं है, सड़क है, वापस लेके, अरे बाप रे बाप, एयरपोर्ट ना, अरे सड़क है यहाँ पर, क्योंकि एयरपोर्ट पे लाइट जलाई रहती है और सड़कों पे भी दोनों ओर लाइट जलती है। उसको लगा यहाँ हाइट नीचे आके देखा, अरे बाप रे। तब ATC को लगा कि नहीं सही में इसके पास फ्यूल नहीं है, तो उसको रनवे दिया फ्यूल, फ्यूल भरा, कहा भाग भाग यहाँ से, लेके भाग जल्दी भाग जल्दी भाग। तो उस जहाज को ले जाना था अफगानिस्तान में, कहाँ ले जाना था, अफगानिस्तान में बिजली नहीं था उस टाइम एयरपोर्ट पे, तो रात में जहाज नहीं उड़ सकती थी 1999 में। तो दुबई ले गया सब, कहा से दुबई ले चल, और दुबई में रात भर काटा सब, अरे बाप रे बाप, दुबई में चाय ब्रेड खाया सब, और फिर जब सुबेर हुआ तब ले गया सब अफगानिस्तान में। बताइए, क्योंकि एयरपोर्ट पर लाइट ना एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट पर कनेक्टिंग फ्लाइट पकड़ते हैं तो सिक्योरिटी चेक पहले नहीं होता था, अब होता है, पहले नहीं होता था लेकिन अब होता है, जब से ये सब कांड हो गया तो हाईजेक वगैरह हो जाते हैं सर। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका ऑपरेशनली कब होता है, जब गया में होता है, जब सम्मेलन वगैरह कुछ वहां पे कुशीनगर में बौद्ध लोगों के लिए, तो एक ओकेजनली खोला जाता है, अभी आपको एनी टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो बन रहा है, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है बौद्ध वगैरह लोगों के लिए, महात्मा बुद्ध के लिए। उस गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, वो भी बौद्ध गया के लिए होता है, ज्यादातर बौद्ध लोग आते हैं जब उन लोग की अपनी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है, नहीं तो हज यात्रा के लिए भेज दिया जाता है बोध गया से। कपिल शर्मा शो में गए थे क्या? हाँ, कुछ दिन पहले गए हुए थे, 7 तारीख को आएगा। अब मुंबई की दुनिया अलग है, शूटिंग हुआ मुंबई के फिल्म सिटी में, फिल्म सिटी इतना बड़ा है कि उसका अपना जंगल है, अपना झील है, अपना पहाड़ है, अपना सब कुछ है, अपना रेलवे स्टेशन सब कुछ है, फिल्म सिटी अलग ही दुनिया है। हमको जब वहां गए थे हमें लगा कि ऑफिस वगैरह होगा, वहां सबका ऑफिस नहीं, एक और को बस था, बस में अंदर घुसिएगा 2 BHK घर सीट उठ नहीं, पूरा वैनिटी वैन कहते उससे सबका अपना। तो मुंबई की दुनिया एक अलग है, मुंबई में एक चीज देखा, बहुत अमीर लोग देखने को मिले और बहुत गरीब भी देखने को मिले, लेकिन वहां अमीर भी बहुत ज्यादा, अमीर अपने आप को नहीं लग पाएगा उसको। एक चीज वहां पे ये लगा ना कि अमीरी का नाम पे वहां अकड़ नहीं रख सकते हम, बहुत तो अमीर है तो आपसे बड़का वहां बैठल है, गांव में एक बोलेरो ले आके चौड़ा के चलता है, अपने वहां बोलेरो ले आ लेगा, अरे बोलेरो तो बहुत कम, तभी 12-14 लाख की चीज है, नया मोटरसाइकिल कसवाएगा तो लड़की भी स्कूटी खरीदती है तो 4 दिन हेलमेट नहीं उतारती है सब नहीं, आगे समझते हम लोग।